आज शराबबंदी के गलत नीतियों के कारण, नीतीश कुमार के जिद के कारण आज कई हजार लोगों को जेल जाना पड़ा, उसमें कुछ बेगुनाह भी जेल गए। कई लोगों को शराब माफिया ने हत्या कर दी। आज उसी का दुष्परिणाम है कि बेगूसराय के छतौना में एएसआई को माफिया ने कुचल के मार डाला। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? नीतीश कुमार। अगर कोई कानून है तो नीतीश कुमार पर कानून के शिकंजे कसना चाहिए। नीतीश कुमार, आप अपनी जिद छोड़े और इस पर पुनर्विचार करें, सर्वदलीय बैठक बुलाएं। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। इस तरह की घटनाओं में जो भी संलिप्त हैं, जो भी अपराधी अपराध किए हैं, उनको अपराध की सजा मिलेगी, उनको बख्शा नहीं जाएगा। बेगूसराय प्रशासन अपराधियों पर कार्रवाई के लिए लगातार कार्य कर रही है और इस दिशा में स्पष्ट रूप से बिहार में शराब माफियाओं पर जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, जिस तरह से उन पर एक्शन हो रहा है और जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हो रही है, उसके कारण बकलाहट और बेचैनी में इस तरह का कृत्य कर रहे हैं। इस तरह के कृत्य को किसी भी स्थिति और परिस्थिति में माफ नहीं किया जा सकता है और इसमें जो भी संलिप्त हैं उन पर सरकार कार्रवाई करेगी। बेगूसराय प्रशासन एक्शन में है और बेगूसराय प्रशासन अपराधियों अपराध को रोकने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। बेगूसराय से जो घटना निकलकर सामने आ रही है अति दुर्भाग्यपूर्ण है, निराशाजनक है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी और कोई कानून को तोड़ेगा तो किसी भी कीमत पर बच नहीं सकता है। ड्यूटी पर तैनात एसआई के साथ इस तरह का सलूक किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। अपराधियों के मनोबल को बढ़ने नहीं दिया जाएगा। स्थानीय प्रशासन के लोग कार्रवाई कर रहे हैं। एक बात के लिए हम आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि इसके पीछे जो कोई दोषी है किसी भी कीमत पर बच नहीं पाएंगे। नीतीश कुमार जी के शासन में कोई सोचेगा कि अपराध करे और बच जाए तो यह संभव नहीं है। रिपब्लिकन न्यूज के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहां बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।